वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन R1M एंड R15 वर्जन 4 ब्लैक कलर। सो आप दोनों को ये लुक वाइज तो सेम लग रहा होगा और फीचर वाइज भी 99% ये सेम है, बट जस्ट फ़र्क इतना है कि इसमें दो से तीन चीज़ें जो है उनका फ़र्क है। तो पहले मैं R1M की दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या एडिशनल मिलता है आपको। सो इसमें हमें क्विक शिफ्टर मिल जाता है। क्विक शिफ्टर का बेसिकली काम क्या होता है कि हमें क्लच के बिना ही हम अप शिफ्ट कर सकते हैं। तो दूसरी साइड ये नहीं मिलता है, वो सीधी रोड मिलती है सिंगल एज अ ऑर्डिनरी। तो ये एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। एक तो यही फ़र्क हो गया गियर लीवर वाला, क्योंकि इसमें क्विक शिफ्टर मिल रहा है और उसमें भी आप क्विक शिफ्टर लगवा सकते हो। उसके लिए आपको 7 to 8,000 पे करना होगा, एजेंसी में लग जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अनदर पॉइंट, इसमें ये लोगो मिल जाता है। बेसिकली ये R1M से लिया गया है और ये जो कलर स्कीम है ये R1M से ही उठाई गई है। तो मैं फ़ोटोज़ अटैच कर देता हूँ, R1M दिखा देता हूँ आप सबको। तो जैसे उसमें क्या है कि R1M है और एक R1M है, तो उनमें भी थोड़ा सा ऐसा है कि R1M है जो थोड़ी पावरफुल भी है और कॉस्टली भी है। सेम इसमें है कि इसका प्राइस भी उससे ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो मतलब इसके ओनर से ही पूछ लेते हैं, कितने की पड़ी थी आपको? दो की पूरी। तो इनको दो में पड़ गई थी बाइक, और दूसरी साइड मेरे को 215 to 220 पड़ी है, और फाइनेंस वगैरह करा के 250 पहुंच गया है मेरा। और आपका? मेरा तो अभी 265 के बता रहा है। हाँ, इनका 265 कुछ पहुंच गया है। तो फाइनेंस वगैरह का और आपकी डाउन पेमेंट पे ही मतलब डिपेंड करेगा कि क्या क्या पड़ रहा है। तो बाकी फिर आ जाते हैं अपने कंपेरिजन में। तो नेक्स्ट कंपैरिजन है इसकी सीट का। तो ये जो थोड़ा कार्बन फाइव टेक्सचर वाली सीट मिलती है, दूसरी साइड प्लेन मिलती है। मतलब इतना ज़्यादा कुछ ये है नहीं है कि ये अच्छा है या वो बैड है, मतलब दोनों अच्छे हैं। और हाँ, सीट में ही एक और अलग चीज़ मिल जाती है, वो है ये R15M लिखा हुआ था, उधर प्लेन मिलता है। तो मतलब इतना कुछ दोनों में नहीं है। और इनके ग्राफिक्स इस बाइक के चेंज थे, बट इन्होंने ग्राफिक्स रिमूव कर दिए हैं। ये ऐसी नहीं आती है स्टॉक में, ऐसी नहीं होती है। और बाकी फ्रंट लुक सेम है, जस्ट कलर स्कीम का डिफरेंट है। एंड ये R1M से उठाई गई है एंड वो R1 से उठाई गई है। क्या रीज़न था कि आपने ये वाली बाइक ली? तो इनको यही था कि ब्लैक कलर चाहिए, और मैं पहले से R1M पसंद करता हूँ। इनका ब्लैक फेवरेट है, और मेरा मतलब ऐसे सिल्वर फेवरेट नहीं है, बट मेरे को R1M पसंद है। तो R1M से फिर मैं इसके ऊपर आ गया। सिल्वर, हाँ, एक वो थी मॉन्स्टर वाली। हाँ, अब मॉन्स्टर पसंद है। मॉन्स्टर और सिल्वर में ही आती है ना M? हाँ, नहीं मतलब हाँ सॉरी, मॉन्स्टर में और इसमें, बट यही मिलता था उस टाइम, वो थोड़ा कम था मेरे को। मतलब मैंने उसी वजह से लिया कि R1M वाला वो है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं था। क्विक शिफ्टर का भी मतलब मैं अगर मैं बताऊं तो मैं 2% यूज़ करता हूं, अदरवाइज जब भी मैं भगा रहा होता हूं तो समटाइम्स तो भूल भी जाता हूं क्विक शिफ्टर है, क्योंकि क्योंकि हर बार नहीं होती है ये चीज़ यूज़। बट कोई बात नहीं, लुक ली है तो थोड़ा सा उसके लिए पे कर दिया हमने एक्स्ट्रा। तो ये था जस्ट एक लिटल सा कंपेरिजन। बाकी ऑल दो पावर सेम है, सब कुछ ही सेम है, पावर सेम है, ब्रेकिंग, टायर सब कुछ सेम आ रहे हैं। तो इट्स अप टू यू। अगर आपको लग रहा है कि आपको ब्लैक कलर चाहिए तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, और आपको लग रहा है कि अगर आपको ब्लैक कलर में भी क्विक शिफ्टर चाहिए तो कंपनी को 7 to 9 के बीच में पड़ जाता है क्विक शिफ्टर, वो इंस्टॉल करवा सकते हो। और ठीक है, दैट्स इट। और कुछ आपको बोलना हो? तो यही था आज हमारा छोटा सा कंपैरिजन इसका। मतलब दोनों ही बाइक अपने प्राइस सेगमेंट में अच्छे हैं, मतलब बराबर ही है, कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है। जस्ट आपकी चॉइस है कि आप कौन सी बाइक लेना चाहेंगे। हाँ, बट अब किसी को आएगी हाँ बस क्विक शिफ्टर चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है, ले सकते हैं, दैट्स इट। तो यही था मेरा आज का ब्लॉग, और बाकी ब्लॉग्स भी देखें मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करें, और हे शिमला को भी सब्सक्राइब करें। और बस एक फ़ाइनल लुक दिखा देता हूँ बाइक की, हेम शिमला, एंड इंस्टा आईडी भी फॉलो करें, मेरी भी कर दें। और यह है बाइक की बाइक, इंस्टा पे ये है यूज़र नेम, एंड दिस वन इज़ फॉर यूट्यूब। सो सब्सक्राइब टू हिज चैनल ऑल्सो, मतलब हम इकट्ठे ही रहते हैं मैक्सिमम। हाँ जी, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, और पुराने वो ब्लॉग्स देखो तब तक मेरे।